चितरपुर के मारंग मरचा स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। मारंग मरचा स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल में बाबूराम महतो फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तर इंटर स्कूल कार्निवाल में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में कई स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपना परचम लहराया, जिसमें प्रगणत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की क्लास 10वीं की छात्रा सोफी प्रवीण ने स्पीच में प्रथम स्थान, क्लास 9वीं की छात्रा फातिमा रूही ने द्वितीय व क्लास 9वीं की छात्रा मासिरा प्रवीण ने तृतीय स्थान हिंदी निबंध में, 10वीं की छात्रा रूपाली कुमारी ने प्रथम इंग्लिश निबंध में, क्लास 9वीं की राजलक्ष्मी पटेल ने तृतीय स्थान बाल गीत में, क्लास 4वीं की मारिया जुनैद ने तीसरा स्थान व मिनी मैराथन दौड़ में, क्लास 10वीं के छात्र अंकित कुमार रजक ने प्रथम स्थान व बैडमिंटन में क्लास 10वीं के ग्रुप स्टूडेंट ने तृतीय स्थान पाकर विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। मौके पर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल दिलीप नायक ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारे विद्यालय का यह प्रयास है कि सफल छात्रों को राज्य स्तर तक पहुंचाएं, ताकि ये पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपना नाम रोशन कर सके। चितरपुर से सौरभ कुमार की रिपोर्ट। हमारे शिक्षक लोग स्कूल के जो हैं वो हमें खेल कूद में बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्कूल में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मसीरा परवीन है। मेरे विद्यालय का नाम प्रगणत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पारी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थर्ड स्थान लाई हूँ। किस चीज़ में? मैं सॉन्ग में थर्ड स्थान लाई हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ, कौन से स्कूल? प्रगणत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहाँ का सुविधा भी बहुत अच्छा था, और हम लोग जिस तरह से रैंक लाए हैं उस सब में हम लोग का शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा था, और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के हमारा स्कूल ऐसे ही रैंक लाए और अच्छे से स्कूल में रैंक प्राप्त। आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम सौफी परवीन है और मैं प्रगणा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हूँ। शिक्षक है वो हम लोगों को बहुत दिलासा देते, कहते खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए, और अभी एपेक्स पब्लिक स्कूल है वो हम लोग को एपेक्स पब्लिक स्कूल लेते गए, अपने तरफ से बहुत सहायता की है हम लोगों को, और वो लोग एकदम बोलते हैं कि आगे बढ़े खेल कूद में, पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज़ें मिला? 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड? सेकेंड। इसके बाद क्या करना है आगे चल के? इसके आगे जाके हम बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, और दौड़ अभी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है हमारे, इसीलिए। आपके स्कूल में सर, अब एपेक्स स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ था तो काफ़ी बच्चे बच्चियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कैसा लग रहा है सर आपको, और उन लोगों को आगे चल के क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रहा है, और हमारे विद्यालय के जितने भी आचार्यगण हैं काफ़ी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो। हमारे विद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में 2 बार जो है जिला टॉपर भी किया है, 1 12 में और 1 16 में, तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारा विद्यालय बहुत आगे है, और हमारे शिक्षक भी काफ़ी लगनशील हैं, और खेलकूद के भी जो हैं हमारे शिक्षक बहुत ध्यान देते हैं बच्चों को, और आज जो है एपेक्स स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें से बहुत से बच्चे जो हैं इसमें एवन लाए हैं, और आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बच्चों को हम लोग ऐसा सपोर्ट करेंगे कि आगे जो है प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तक पहुंचाने का जो है प्रयास रहेगा। ये कोशिश सर किसके द्वारा की जाएगा? कोशिश हमारे संस्थान के द्वारा, और हमारे विद्यालय के जितने भी प्रबंधक हैं उन सभी के माध्यम से जो है इन बच्चों को जो है आगे ले जाने का कार्य करेंगे।